Hello everyone, welcome to our channel AGNI'S and you are watching video series of class 12th business studies. Students, अभी तक हम लोगों ने इस chapter के दो part खत्म कर लिए हैं जो कि chapter number 1 nature and significance of management है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे part की तरफ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही important function management का जिसकी वजह से बाकी functions भी काम करते हैं जिसका नाम है coordination. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस 100% आते हैं. तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग यही फिनिश कर लेते हैं और कोशिश ये कीजिए कि आप नोट्स बनाते रहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन और उसके नेचर एंड सिग्निफिकेंस. क्यों कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ काम आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं. तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक शुरू करते हैं और इसको समझते चलते हैं. तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन. द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिंक्रोनाइजेज ऑल द डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. बहुत सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. कोई भी मैनेजर सबसे पहले जितने भी प्लान्स हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं उसको किस तरह से हैंडल करता है, उन लोगों के बीच में कैसे तालमेल बिठाता है, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन आप ये समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मैनेजर्स मैनेज द कंपनी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इस टॉपिक के लिए हम लोग पढ़ते हैं एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. पॉइंट नंबर वन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ा है. एक ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये जो फंक्शंस होते हैं, क्या ये सारे फंक्शंस सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या इनमें से कोई फंक्शन ऐसा तो नहीं जो बीच में ही रुक गया हो या लोग उस पर काम ना कर रहे हों? तो इसी चीज़ को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. तो मैनेजर्स सबसे पहले यही देखते हैं कि ये पांचों फंक्शंस सही तरीके से काम कर रहे हैं. पॉइंट नंबर टू, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. देखिए मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और सबऑर्डिनेट लेवल. हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है. अब मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 या 3 हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके प्लान में कोऑर्डिनेशन बैठता ही नहीं है तो आगे प्लान बन ही नहीं पाएगा और कंपनी की ग्रोथ आगे नहीं हो पाएगी. तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट्स जो भी प्लान बनाती है तो उसमें सारे लोगों की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं. उसी तरह मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखा जाए. अब फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. उसके बाद कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर कोई शिकायत आ रही है प्रोडक्ट की तो वो टाइम से इन्फॉर्म करें ताकि उस प्रोडक्ट में इम्प्रूव लाया जा सके. आगे देखते हैं, इसमें आता है सबऑर्डिनेट लेवल. देखिए सबऑर्डिनेट लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट वर्कर्स से लिंक करता है. तो सबऑर्डिनेट लेवल में कोऑर्डिनेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्कर हैं तो उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी शिकायतों को समझना और उसको ठीक करना, और कोई काम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी मदद करके ठीक करना, मोटिवेशन करना, तो ये सारे काम एक ही साथ कोऑर्डिनेशन के तहत होने चाहिए. थ्री, कोऑर्डिनेशन इज वेरी असेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो उसका जो नुकसान है वो कंपनी को अपने प्रॉफिट देकर चुकाना पड़ेगा. तो यहाँ पर जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. कहीं ना कहीं किसी वजह से उसके काम में कोई ना कोई कमी नज़र आती है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर बाकी फंक्शंस फ्लावर हैं तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा थ्रेड है, एक ऐसा धागा है जो बाकी फ्लावर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा अगला टॉपिक जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन. इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एक्टिविटी.
देखिए स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जिनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनको काम करने के अलग अलग तरीके आते हैं, उनके अंदर अलग अलग स्किल्स होती है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब है हर इंडिविजुअल नीड को इस तरह से इम्प्रूव करना या उनको इस तरह से अपने अंडर काम करवाना कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए सब तैयार हो जाएं और सिर्फ उसी गोल की तरफ अपने सारे एफर्ट्स लगाएं। नंबर टू, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ वर्क ऑफ डिपार्टमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, आपको पता ही है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, तो देखिए कई डिपार्टमेंट होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई ना कोई गड़बड़ ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट की यूनिटी को एंश्योर करता है और ये प्रोसेस को निर्धारित करता है कि हर डिपार्टमेंट हैंड इन हैंड, मतलब हाथों में हाथ डाल के काम करे और एक साथ आगे बढ़े। नंबर थ्री, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब इसमें तो कोई नई बात है नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस का तो आप एग्जाम्पल हर किसी चीज़ में डाल सकते हैं। ये वाला ऐसा पॉइंट है जो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में फिट बैठता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस है ही नहीं इस चैप्टर में जो कि कंटिन्यूस ना हो। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस है क्योंकि स्टार्ट होता है प्लानिंग से और कंट्रोलिंग तक, और जो कि कंट्रोलिंग हमेशा ही चलती है, तो कोऑर्डिनेशन भी हमेशा ही चलता है। पॉइंट नंबर फोर, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि हर जगह मौजूद होना। देखिए हर जगह जिसकी प्रेजेंस है वही परवेसिव है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में भी ये पॉइंट आया था और यहाँ पे अब कोऑर्डिनेशन में भी बिल्कुल सेम पॉइंट आ रहा है। हर जगह मींस हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर और हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। नंबर फाइव, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। देखिए पॉइंट नंबर फाइव में ये तो बोल दिया है कि मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको ये करनी ही होती है। हर फंक्शंस जो भी मैनेजमेंट करवाती है उसमें कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी फंक्शन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मैनेजर्स ही सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर हमको इस तरह से काम करना चाहिए कि बाकी लोगों से भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बने और हमारी नीड्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स भी पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर सिक्स, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, डेलिब्रेट वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जानबूझकर करना और करना ही है उस चीज़ को किसी भी हालत में। तो मैनेजमेंट को ये बात पता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के जो भी काम है, जो भी टारगेट है, वो पूरे तो होने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एक डेलिब्रेट प्रोसेस बना दिया गया है। इसके तहत हर मैनेजमेंट को, चाहे वो छोटी मैनेजमेंट है या बड़ी मैनेजमेंट है, उसको कोऑर्डिनेशन करना ही होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। इसके टोटल छः पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो एग्जाम में आप इन छः पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें बेसिकली हम लोग तीन पॉइंट समझेंगे, जिसमें पॉइंट नंबर वन है ग्रोथ इन साइज। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रोथ इन साइज का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ती है तो उसके एम्प्लॉयज़ और उसके वर्कर्स भी बढ़ते हैं। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना बड़ा उसका साइज होगा, उतना ही बड़ा कोऑर्डिनेशन का लेवल भी होना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करने लग जाएंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी कि एम्प्लॉयज़ अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। किसी को पैसा कमाना है तो किसी को एक्सपीरियंस चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके मैनेजमेंट का सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है कि हर इंडिविजुअल को इस तरह से ट्रीट करे कि हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए सोचे, साथ साथ में अपना इंडिविजुअल नीड भी पूरा करे। पॉइंट नंबर टू, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि कस्टमर से ऑर्डर लेना और अपना सामान बेचना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि सामान प्रोड्यूस करना या मैन्युफैक्चर करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि कंपनी के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना। और कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट है कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ग्रीवियंसेस है तो उसको एड्रेस करना, उसको ठीक करना। यहाँ पर फंक्शंस अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट भी अलग अलग हैं, पर कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट्स में होना ज़रूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्डर बहुत बड़ा ले लिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा ही नहीं इस बारे में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई उतना ही बड़ा ऑर्डर प्लेस करने में, और उतना बड़ा ऑर्डर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कंपनी का गुडविल और कंपनी का नाम मार्केट में ख़राब हुआ। तो यहाँ पर विदाउट कोऑर्डिनेशन काम हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम आ गई है। तो कंपनी को यहाँ पे पहले ही बात कर लेनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि कितना ऑर्डर लेना है और कितना प्रोडक्शन करना है। पॉइंट नंबर 3, स्पेशलाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश की एक कहावत सुनी होगी, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। इसका मतलब है कि बहुत सारे कुक मिलके खाना को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिलती है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग पढ़े लिखे होते हैं, और उनके पास सबके पास डिग्री होती है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, पर यहाँ पर सब लोग अगर अपनी मर्ज़ी से काम करने लग गए तो कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट में और मैनेजर्स के बीच में, ताकि वो सारे मिलके प्लान बना सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो और सर्वाइव कर सके। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ साथ हमारा पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।